चिंतामणि रस एक आयुर्वेदिक औषधि है जो टैबलेट और पाउडर के रूप में उपलब्ध रहती है। का स्वास्थ्य विकारों के लिए दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी औषधि होती है। आयुर्वेद की माने तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार ये खांसी, अस्थमा, सांस का फूलना, शारीरिक कमजोरी, खून की कमी, फेफड़ों की कमजोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी औषधि है। इसके अलावा श्वसन संस्थान दौर्बल्य और कुकुर खांसी में भी दोस्तों इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऐसे में दोस्तों इस औषधि के इतने सारे फ़ायदों को देखते हुए बाज़ार में कई सारी कंपनियां इसे बनाकर बेचती हैं और इसका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके और क्या क्या लाभ होते हैं और कहां कहां पर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, किस कंपनी के स्वास्थ्य चिंतामणि रस को आपको ख़रीदना चाहिए, ये जानकारी भी आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि स्वास्थ्य चिंतामणि रस के और क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं और इसको आपको कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों स्वास्थ्य चिंतामणि रस के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों स्वास्थ्य चिंतामणि रस की अगर हम बात करें तो इसे बनाने के लिए कई सारी भस्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें प्रयोग किया जाता है लौ भस्म, गंधक भस्म, मोती भस्म, अबरक भस्म, शुद्ध पारण, स्वर्णमाक्षिक भस्म और स्वर्ण भस्म। तो दोस्तों इन सभी भस्म को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है जिसका सीधा प्रभाव आपको हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। दोस्तों चिंतामणि रस में प्रयुक्त घटक या इंग्रेडिएंट दोस्तों मूल रूप से हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं और शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें जो घटक का प्रयोग किया जाता है उनके क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो घटक है वो होता है लौ भस्म। तो अगर लौ भस्म के दोस्तों फ़ायदों की अगर हम बात करें तो लौ भस्म का उपयोग आयुर्वेद में कई प्रकार के परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों इसके कुछ प्रमुख फ़ायदों की हम बात करें तो दोस्तों लौ भस्म को मूल रूप से शरीर में रक्त की कमी यानी कि एनीमिया की दिक्कत को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और शरीर को पोषण मिलता है। लौह भस्म दोस्तों हमारे यकृत और प्लीहा विकार, पीलिया, शरीर में जल इकट्ठा हो जाना जैसी स्थितियों को भी दूर करता है। इसके अलावा कैसी भी कमज़ोरी क्यों ना हो दोस्तों उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी लौह भस्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली भस्म इसमें प्रयोग की जाती है वो है गंधक भस्म। दोस्तों आयुर्वेद में रस औषधियों में गंधक का उपयोग प्रधान रूप से किया जाता है। इसे शुद्ध करने के बाद दोस्तों उपयोग में लाया जाता है। गंधक शरीर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस का काम करता है और गंधक की समुचित मात्रा पाचन में सुधार करती है। तो पाचन संबंधी जो भी समस्याएँ हैं दोस्तों उसमें गंधक काम करता है। मोती भस्म की दोस्तों अगर हम बात करें तो मोती भस्म कैल्शियम का एक उत्तम प्राकृतिक स्रोत है। अगर शरीर में कैसी भी कैल्शियम की कमी है तो दोस्तों इसके ये सीधे तौर पर दूर करता है। मोती भस्म सेवन से दोस्तों पित्त दोष का शमन होता है। इसके अलावा क्षय रोग, अस्थमा, खांसी और रक्तपित्त जैसी समस्याएं भी दोस्तों इससे दूर होती हैं। मोती भस्म दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और खांसी में इसका प्रयोग अधिक गुणकारी होता है। साथ ही साथ वो लोग दोस्तों जिन्हें अवसाद की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है दोस्तों उसको भी ये दूर करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें अबरक भस्म की तो दोस्तों ये राज्य क्षमा, काश, कफक्षय, बढ़ी हुई खांसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और त्रिदोष नाशक होता है यानी कि तीनों दोषों का नाश करता है। शुद्ध पारण की दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाने का काम करता है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों पारण के गुणों के कारण चरक संहिता में दो स्थानों पर इसे रस और रसोत्तम के नाम से संबोधित किया गया है। वहीं बागभट्ट ने दोस्तों औषध बनाने में पारण का वर्णन किया है। भाव प्रकाश में पारण चार प्रकार के बताए गए हैं, यथा श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। ऐसा माना जाता है कि पारण बगैर आयुर्वेद अधूरा है। यह स्वास्थ्य विकारों को दूर करने, शारीरिक बल बढ़ाने, मानसिक अवसाद को दूर करने में फायदेमंद होता है। इसके अंत में दोस्तों प्रयोग किया जाता है स्वर्ण माक्षिक भस्म का। तो दोस्तों पेट की जलन, अम्लपित्त, खून की कमी, सामान्य कमजोरी, नींद न आना और हृदय संबंधी समस्याओं को दोस्तों ये दूर करने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों इसको कहाँ से ख़रीदा जाए, यानी कि अगर मान लीजिए आप ख़रीदना चाहते हैं स्वास्थ्य चिंतामणि रस तो कहाँ से ख़रीदें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वैद्यनाथ, डाबर, धूता पापेश्वर और पतंजलि जैसी कई सारी कंपनियाँ स्वास्थ्य चिंतामणि रस को बनाकर बाज़ार में बेचती हैं।
ऐसे में आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं, इसको टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में खरीद सकते हैं और इसका सेवन करना शुरू कर सकते हैं अपनी इन किसी भी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए। ये शरीर में दोस्तों आपकी श्वास संबंधी जितनी भी समस्याएँ हैं उन सभी को दूर करने का काम करता है। तो दोस्तों एक बहुत ही गुणकारी और लाभकारी ये औषधि है जिसका नाम है श्वास चिंतामणि रस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।